इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एक नई और पॉजिटिव खबर आ रही है एनटीए एग्जाम को लेकर के। दोस्तों आज एनटीए ने एक बात साफ तौर पर कही है कि परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी, परीक्षाएं पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक कराई जाएंगी। ये बात एनटीए ने तब कही जब एनटीए ने जेई के बाद नीट के प्रवेश पत्र को जारी किया। एनटीए ने कहा है और सरकारी सूचना ये आ रही है कि जो स्टूडेंट्स का प्रवेश पत्र है वही उनके लिए पास होगा, अगर वो कंटेनमेंट जोन में है तब भी उन्हें आने जाने की अनुमति होगी। इससे बात ये बिल्कुल साफ हो गई है कि परीक्षा होगी, निश्चित तौर पर होगी और अपने समय पर होगी। सुप्रीम कोर्ट से भी अब कोई राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि पैंडेमिक को देखते हुए सारी चीजें बहुत समय तक रोकी नहीं जा सकती हैं। अब सबको इस पैंडेमिक के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, यानी कि सुरक्षा साधनों की व्यवस्था के साथ, सुरक्षात्मक उपायों के साथ साथ परीक्षा या अन्य जो गतिविधियां हैं उनको निश्चित रूप से कराना चाहिए। और निश्चित रूप से यही छात्रों के हित में है। एक तरफ छात्रों का एक गुट है जो इस बात का आरोप लगा रहा है सरकार पर कि सरकार परीक्षाएं नहीं करा रही है या वैकेंसियां फुल नहीं की जा रही। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की इस बात पर खिंचाई करने में लगा है कि परीक्षाएं क्यों कराई जा रही। तो ऐसे में अफवाहों से बचते हुए इस बात पर फोकस करना है कि किस तरह से हम अपनी पढ़ाई जारी रख करके आने वाली परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्मेंस करके सफलता हासिल करें। इसलिए ये बिल्कुल निश्चित हो गया है कि परीक्षाएं जो एनटीए ने निर्धारित की हैं नेट के लिए 16 से 25 जून नियत तिथि पर निश्चित रूप से होगी। इस बात को आप बिल्कुल भी सोचना छोड़ दें कि परीक्षाएं निरस्त हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं या टल सकती हैं। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलेंगे नए वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहने के लिए, नई नई जानकारी अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करके ये लिखें कि क्या पसंद नहीं आया। जय हिंद।